हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं एक आपको बहुत ही अचंभा करने वाली, शॉक करने वाली इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एनटीए की वेबसाइट है, आप सभी को दिख रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये क्या है, इसके नोटिफिकेशन है, नोटिस टाइटल लिखा हुआ है ऊपर, अच्छे शब्दों में नोटिस टाइटल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होता है कि जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो सबसे ऊपर होता है, उससे पुराना अपडेट उससे नीचे होता है, उससे पुराना अपडेट उससे नीचे होता है। हम आपको सबसे पहले इसका प्रूफ देने के लिए दिखाते हैं नोटिस सेकंड। हमने इसको इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 7 सितंबर 2020 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं वापस पहले नोटिस पर। पहला नोटिस है, यहाँ पर तारीख लिखी हुई है 4 सितंबर 2020। पहला नोटिस रिलीज हो रहा है 4 सितंबर को, दूसरा नोटिस रिलीज हुआ कब, 7 सितंबर को। पहला नोटिस की डेट क्या डाली है इन्होंने, 4 सितंबर। दूसरा नोटिस की डेट कितनी थी, 7 सितंबर। आप इसे आप अनुमान लगाओ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो दूसरा नोटिस था वो आ गया था 7 सितंबर को और जो पहला नोटिस है वो आया था 4 सितंबर को। इन्होंने ये बिल्कुल गलत किया, ऐसा कभी नहीं होता। जो लेटेस्ट नोटिस होता है वो बिल्कुल ऊपर रहता है। अब इन्होंने जो 4 सितंबर का नोटिस था ये कल रात को 9 बजे अपलोड किया है। कितने बजे, रात को 9 बजे। मैं खुद अच्छी तरीके से 3 दिन से बिल्कुल अपडेट रह रहा हूँ एनटीए की वेबसाइट से, एडमिट कार्ड के चक्कर में कि कब एडमिट कार्ड डल जाए। मैं हर एक मूवमेंट का ध्यान रखता हूँ कि कब क्या होने वाला है। ये नोटिस उन्होंने रात को 9 बजे डाला था, रात को 9 बजे इन्होंने नोटिस डाला था। यदि आप भी एनटी की वेबसाइट पर अपडेट रहते हो, बिल्कुल खोलते रहते हो, तो आप लोगों को भी पता था कि कल से अलावा, कल 9 बजे से पहले ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था वेबसाइट पर। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है रात को 9 बजे इन्होंने अपलोड किया है और उसमें नोटिस में तारीख डाली है 4 सितंबर 2020। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, एक ATDSC एडमिशन टेस्ट फॉर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम था वो 12 सितंबर को होने वाला था और उसका जो एडमिट कार्ड था वो उन्होंने कल रात को रिलीज कर दिया 9 बजे। 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, कल रात को 9 बजे एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है और नोटिस के ऊपर 4 सितंबर की डेट डली हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज लापरवाही मत बरतो, जो टाइम बचा उसमें सीरियस होकर पढ़ो, वरना हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। 12 तारीख को नोटिस डलेगा एडमिट कार्ड का, 16 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर 1 सितंबर लिखा होगा, 1 सितंबर 2020 यहाँ पर लिखा होगा, 12 तारीख को एडमिट कार्ड डलेगा, 16 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ जब तक 16 तारीख नहीं आ जाए तब तक आप पढ़ाई से डिसकनेक्ट मत हो, पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखो 16 सितंबर तक, ठीक है। और आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट रहना है, हर एक इवेंट से अपडेट रहना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इसके अलावा मैं यहाँ पर नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ, तो मेरी सभी की सभी क्लासेज ज्वाइन करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे बहुत सारे वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, उनको देखो। फर्स्ट पेपर के मैं रेगुलर 100 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, रेगुलर 100 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ मैं फर्स्ट पेपर के, और 100 क्वेश्चन ही मैं रेगुलर ज्योग्राफी के सोल्व करवा रहा हूँ। तो यदि आपको फर्स्ट पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ज्योग्राफी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ जाओ, बचे हुए दिनों में हम शानदार तैयारी करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखो, बिल्कुल किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना कभी भी एडमिट कार्ड डाल सकते हैं ये लोग। इनको एडमिट कार्ड डालने में मात्र 1 मिनट का समय लगेगा, हम तक खबर पहुंचने में मात्र 5 मिनट का टाइम लगेगा, टोटल 6 मिनट का काम है। तो इसलिए बिल्कुल सीरियस होकर अच्छी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ठीक है। और मेरे चैनल से आप हेल्प लेके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो थैंक्स देखने के लिए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल कंटिन्यू रहो। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। बाय।